हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आशीष सिंह लेक्चर्स में। आप लोग आज पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जो कि आप जानते हैं तरल यांत्रिकी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास रखी गई है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा होना है। बोर्ड, नीट और जेई तीनों के लिए बच्चों ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से। फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर तरल यांत्रिकी जो चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, पहले तो ये समझिए। लेकिन आसान किन बच्चों के लिए होगा? जो छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट से हैशटैग जिदकर के साथ सभी बच्चों को टाइप करना है, फील इट टू किल इट। हैशटैग क्या लिखना बच्चों? फील इट टू किल इट। क्यों? आपको फिजिक्स को फील करना है। आप जानते हैं फिजिक्स को फील किए बिना समझा नहीं जा सकता। तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। एक बार ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। चैप्टर जो है हमारा बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं, तरल यांत्रिकी। तो आपको ऐसा लग रहा हो सर यांत्रिकी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स पार्ट वन, यांत्रिकी का पहला अध्याय जिसमें हमने शुरू किया था बच्चों सबसे पहले काइनेमेटिक्स से, मतलब सारी गतियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम, जिसमें हम लोगों ने कुछ अलग अलग तरह के सवाल किए थे ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी कार्य ऊर्जा, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बच्चों यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले यांत्रिकी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सर ये तरल क्या चीज है? तरल बच्चों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो, जो बह सकते हो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? तरल। तो क्या बोलेंगे बच्चों? जो बहने का गुण रखते हो, और कौन से पदार्थ तरल हो सकते हैं? आप जानते हैं बच्चों पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। हमारे स्तर पे ये वैसे तो पांच होती है आप जानते हैं, लेकिन हमारे स्तर पे हम लोग ठोस, द्रव और गैस मानते हैं। ठोस के बारे में आप लोग पूरा स्टडी करते हैं, कौन से केमिस्ट्री के एक चैप्टर सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं अच्छे से। गैसेस स्टेट चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं। हम लोग स्पेशली बच्चों यहां पर फोकस करेंगे द्रव पर। देखा जाए तो तरल बच्चों दो तरह के हो गए बच्चों हमारे पास, कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास द्रव, दूसरे हो गए बच्चों गैस। द्रव और गैस दोनों को सामूहिक रूप से तरल कहा जाता है। लेकिन क्या सर सारी गैसों को तरल कह सकते हैं? नहीं बच्चों, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनका पालन करना सभी फ्लूइड्स को अर्थात तरलों को बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ध्यान से समझिए कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो गुणधर्म है, गुणधर्म देखिए बच्चों क्या है गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म है बच्चों, इनका जो आकार है या आकृति है वो बच्चों क्या हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी काम की बात यह है कि इनका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? आयतन हो जाएगा बच्चों निश्चित। तो दो बातों को अपने को बच्चों विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आकार अनिश्चित होता है, मतलब आकार या आकृति परिवर्तित हो सकती है। आप जानते हैं तरल पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। दूसरी बात, आयतन निश्चित करने का, आयतन उनका बच्चों निश्चित होता है। तरल पदार्थ जो होते हैं, जैसे पानी एक तरल पदार्थ है, जल एक तरल पदार्थ है, जल को हम किसी भी पात्र में रखे उस पात्र का आकार वो क्या कर लेता है बच्चों? ग्रहण कर लेता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव लग रहे हैं मुझे। कोई भी परेशानी आए बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, लेकिन पढ़ने का बहुत अच्छे से ध्यान रख, नोटबुक और पेन सभी की साथ में होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है चीजों को। फिजिक्स को क्या करना है बच्चों? फील करना है। देखिए इधर आयतन बच्चों निश्चित हो गया, आकार अनिश्चित हो गया। एक छोटा सा बिंदु और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है बच्चों एक नई चीज है,
आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, इसके बारे में थोड़ा और आगे से विस्तार से बात करेंगे, वो है श्यानता। क्या है बच्चों? श्यानता अंग्रेजी में बोलते हैं विस्कोसिटी, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो एक और गुणधर्म होता है इनका, ये जितनी भी अपन बातें करने वाले हैं वो अशयान के लिए करने वाले, जिनमें श्यानता ना हो। श्यानता क्या होती है सर? विस्कोसिटी क्या होती है? जब भी किसी भी तरल की दो सरफेस, दो सतहों के मध्य में जो क्षैतिज बल लगता है ना, वो शून्य मानते अपन। मतलब ये कौन सा, ये कौन सा बल हो गया? श्यान बल। और इस श्यान बल को हम क्या करते हैं यहां पे? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते थे बच्चों? इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक आइडियल कंडीशन होगी, आदर्श गुणधर्म हो गया किसके लिए? हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, तरल यांत्रिकी के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की बच्चों, तरल क्या होता है? तरल क्या होता है? जो बहने का गुण रखते हो। दो चीजें निश्चित है, आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। द्रव हो सकते हैं, गैस। अब गैस के तौर पे एक और बात मैं आपके साथ मेंशन करना चाहता हूं बच्चों, देखिए ये सारी गैसें नहीं होती, सिर्फ कुछ गैसें, सिर्फ कुछ गैसें, सिर्फ कुछ गैसें। कौन सी गैसें? जिनका आयतन, जिनका जिनका आयतन निश्चित हो। आप लोगों ने, सभी ने ऊष्मा गति की चैप्टर पढ़ा है, आपने थर्मल इफेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है? तो उसमें तापीय प्रभाव में पीवी बराबर एनआरटी समीकरण सभी बच्चों ने अच्छे से समझा हुआ है। तो वहां के हिसाब से हम एक अलग अवस्था लेते हैं बच्चों। कौन सी अवस्था है? वो साम्यावस्था, ऊष्मागतिक साम्य जिसे बोलते हैं। तो जब सिर्फ कुछ गैसें जिनका आयतन निश्चित हो, उन्हीं को अपन किस श्रेणी में रखेंगे बच्चों? तरल की श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे बच्चों? तरल की श्रेणी में रखेंगे। निश्चित हो मतलब, मतलब यह है किसमें होनी चाहिए? वो साम्यावस्था में हो। किसमें हो बच्चों? साम्यावस्था में हो। और साम्यावस्था में उसका आयतन, आयतन हम लोग क्या लेके चल रहे बच्चों? नियत लेके चल रहे। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही गैस तरल की तरह व्यवहार दिखाएगी, क्योंकि आप जानते हैं उनका आयतन परिवर्तित हो जाता है, घनत्व परिवर्तित हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, घनत्व की बात आई, आयतन बच्चों परिवर्तित नहीं हो सकता, आयतन निश्चित है और द्रव्यमान तो निश्चित हमेशा ही होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। द्रव्यमान बच्चों इस तरल का निश्चित है, आयतन हमने निश्चित मान लिया है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या घनत्व निश्चित होना चाहिए, फटाफट से बताइए मुझे क्या घनत्व निश्चित होना चाहिए। घनत्व भी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है बच्चों, घनत्व क्या होता है फटाफट से बताओ, घनत्व का सूत्र आप सभी बच्चे जानते हैं ना, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए ध्यान से, बहुत आराम आराम से समझेंगे हम, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसको बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी आपको, मुश्किल सवाल नहीं आते इस चैप्टर से, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? घनत्व। पहले हमने तरल के बारे में समझा, अब तरल के माध्यम से हम घनत्व पर आए। घनत्व क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान अपॉन आयतन। किसी भी पदार्थ के घनत्व की हम जब बात करेंगे तो उस पदार्थ का क्या लेंगे बच्चों? पहले द्रव्यमान लेंगे और उसको किससे भाग दे देंगे? उसके आयतन से भाग दे देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो घनत्व को हम बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ी इंग्लिश की टर्म्स हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए जब आप बीटेक में जाएंगे या फर्दर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, एमबीबीएस में जाएंगे, किसी में तो आप एडमिशन लेने वाले, तो वहां पे ज्यादातर चीजें बच्चों इंग्लिश में होगी, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंज आगे के लिए हो जाता है। तो फिजिक्स की मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिजिक्स में इंग्लिश की टर्म्स आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसा ही सारे सब्जेक्ट में आप लोग करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग सभी टैलेंटेड है बिल्कुल। हैशटैग जीतकर के साथ कंटिन्यू रखिए। घनत्व क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग? मास। और आयतन को क्या बोलेंगे बच्चों? वॉल्यूम। वेरी गुड, ध्यान से देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। मैंने आपको बताया हुआ लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर अपना नहीं हुआ, फर्स्ट लेक्चर है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को हम लोग एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? केजी।
आयतन की ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व की ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? केजी अपॉन मीटर क्यूब। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताइए फटाफट से, क्या है ये? एस आई मात्रक। किसका है बच्चों? घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे हम लोग ये चीज समझ चुके हैं बच्चों, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाए? केजी पर मीटर क्यूब। कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमेशा जब भी हम सूत्र में मान रखें, हमें किस में बदल के रखना है? एस आई मात्रकों में। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, घनत्व। अब हमें एक घनत्व याद रखना है बच्चों, उदाहरण के तौर पर जल का घनत्व क्या होता है बच्चों? ज्यादातर बच्चों को पता होगा वैसे, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल का घनत्व कितना होता है? अरे स्माइल बनाए रखें, बिल्कुल परेशानी नहीं है। हाँ बताइए, जल का घनत्व क्या होता है? हाँ वेरी गुड बेटा, देखिए क्या होगा ये? 1000 मतलब 10^3 केजी प्रति मीटर क्यूब। कोई परेशानी नहीं है। ये कौन सा मात्रक है बच्चों? एस आई मात्रक में जल का घनत्व कितना होता है? 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब। कोई परेशानी नहीं है। और सर और भी पढ़ा है आपने, 1 ग्राम पर सीसी नाम सुना है आपने, 1 ग्राम पर ml ये भी होता है, लेकिन एस आई क्या होगा? या फिर और क्या लिख सकते हैं अपन? 1 ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं बच्चों। और सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या बोल देते हैं? सीसी। 1 ml = 1 cc। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटी सी बात है। क्या लिखेंगे इसको? 1 ग्राम पर ml या फिर 1 ग्राम पर cc। कोई परेशानी वाली बात नहीं। ज्यादातर बच्चों ने मेरे हिसाब से नोट भी कर लिया हुआ, और कोई इस तरह की बात नहीं। आपको स्लाइड ये PDF मिल जाएगी लेक्चर के लास्ट में। आप लोग क्या करना है, आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको फ्री PDF जनरेट हो जाएगी। किसी को परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स को क्या करना है बच्चों? फील करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो अभी तक हमने ये जान लिया बच्चों तरल क्या होता है, और एक और बात जानी घनत्व क्या होता है। एक और बात है बच्चों, वो ये है कि सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्षिक घनत्व अथवा रिलेटिव डेंसिटी। अब जैसा कि नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो, और काफी बच्चों को तो अच्छे से पता है, क्या होगा सापेक्षिक घनत्व? सापेक्षिक घनत्व हम किसके सापेक्ष निकालते हैं, पहले ये समझो। हम निकालते हैं बच्चों जल के घनत्व के सापेक्ष। किसी के सापेक्ष तो निकालते ही, तो यहां पे किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? किसके सापेक्ष निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? जल के घनत्व के। तो नीचे क्या आएगा? जल का घनत्व। ऊपर किसका घनत्व आएगा? जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का हम सापेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं, उस पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सापेक्षिक घनत्व। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक घनत्व, या फिर अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे अपन? रिलेटिव डेंसिटी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे सापेक्ष घनत्व क्या है बच्चों, दो घनत्वों का अनुपात क्या है, दो तरह के घनत्वों का अनुपात है सापेक्षिक घनत्व। तो अपन क्या करने वाले हैं यहां पे, सापेक्षिक घनत्व अगर दो घनत्वों का अनुपात है, क्योंकि ये अनुपात है, क्या है बच्चों अनुपात है, तो अनुपात की क्या कोई विमा होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अनुपात है, क्योंकि क्योंकि यह अनुपात है तो क्या हो जाएगा, ये विमाहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों विमाहीन हो जाएगा। और क्या इसका कोई मात्रक होगा, नहीं मात्रकहीन होगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, ना ही इसकी कोई विमा होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। देखिए दो घनत्व कौन कौन से, उस पदार्थ का घनत्व जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जल के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो जल के घनत्व का, जल के घनत्व का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों सापेक्षिक घनत्व, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपसे, एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया, यदि यदि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सीसी हो तो सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करें। बहुत ही बेसिक और आसान सवाल, फटाफट से बता दो, मेरे हिसाब से 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 10 सेकंड ज्यादा हो गया, बताओ फटाफट से, बहुत ही आसान, बहुत बेसिक बच्चों आज हम करवाने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर दे ही नहीं रखी सर, इसको तो अपने को याद रखना है, क्या होती है बच्चों 1000 kg/m³, 1000 kg/m³, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन समझिए ध्यान से, क्या लिखेंगे हल, देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है, दिया है, बहुत अच्छे से आराम आराम से सवालों को सोल्व करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। क्या क्या दे रखा है बच्चों, पारे का घनत्व दे रखा है, पारे का घनत्व मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिखे बच्चों इसको, थोड़ा सा फॉर्मूले को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, रो ऑफ पदार्थ, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जल का घनत्व, रो ऑफ जल, जल का घनत्व। और जल का घनत्व अगर हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, तो यहां पे कितना जाएगा बच्चों, 1 g/cm³, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। ये दे रखा है आपको रो पारा, कितना दे रखा है बच्चों 13.6 g/cc, और आपको क्या पता है, आपको पानी या फिर जल का घनत्व ये पता है बच्चों, बिल्कुल सभी को पता है, अभी हमने समझा भी था, कोई परेशानी नहीं। ज्ञात क्या करना है, सापेक्षिक घनत्व, तो सीधे तौर पे मैं लिख दूं बच्चों सापेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का अनुपातित होगा 13.6 / नीचे कितना आ जाएगा 1, यूनिट्स तो मात्रक आपस में क्या हो गए बच्चों कैंसिल आउट हो गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए कितना आ जाएगा 13.6, यही तो हमारा उत्तर है, ध्यान से देखिए, क्या यही हमारा उत्तर हो गया, क्या क्या यही हमारा आंसर हो गया बेटा, बिल्कुल यही हमारा आंसर है। सभी बच्चे एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। हाँ कुछ बच्चे kg/m³ में बता रहे हैं, आंसर बच्चों kg/m³ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा kg/m³ में, क्यों आएगा, ये तो अनुपात है ना, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल नीट में पूछे गए हैं, अभी इस बार
नीट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे कोण के मात्रक के बारे में, कोण की विमा के बारे में बात की गई थी। तो मात्रक और विमाएं किसी भी चैप्टर में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपसे पूछी जा सकती है। बहुत अच्छे से सतर्कता बरतते हुए चीजों को समझना है। और मुझे पता है आप फिजिक्स को फील करने वाले, तो फिजिक्स को फील करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी ने बच्चों ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। देखिए, अगर हम लोग घनत्व के बारे में समझ चुके हैं तो सभी बच्चे हैशटैग जिदकर टाइप करेंगे। फटाफट से हैशटैग करो बच्चों, जिदकर, सॉरी ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। हमने तीन चीजें पढ़ी बच्चों यहां तक। सबसे पहले हमने तरल के बारे में समझा, उसके बाद हम लोगों ने घनत्व के बारे में समझा, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों सापेक्षिक, कभी कभी इसको आपेक्षिक की भी बोल देते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, चौथी एक और बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों दाब के बारे में। दाब मतलब प्रेशर। दाब आप बचपन से पढ़ते आए हैं, अच्छे से सुना हुआ है आपने। सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों दाब बराबर, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप टाइप ना कर पाए। किसी का आंसर आया क्या, देखने दो मुझे। क्या होता है बच्चों दाब का सूत्र, दाब का सूत्र क्या होता है बच्चों? दाब अर्थात प्रेशर, पी से हम लोग लिखेंगे इसको बच्चों। पी बराबर क्या होता है बच्चों? बल। लेकिन कौन सा बल बच्चों? लंबवत होना चाहिए, बल जो कि लंबवत लगे किसी भी सतह के। और जिस सतह पर बल लग रहा है, जिस सतह पर बल लग रहा है उस सतह के क्षेत्रफल से हम लोग इसको क्या कर देते हैं बच्चों? भाग दे देते हैं। जिस सतह पर बल लग रहा है उस सतह के क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर देते बच्चों? भाग दे देते हैं। हमेशा बल क्या होना चाहिए बच्चों? सतह के लंबवत दिशा में होना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान से समझिए, ये कोई पार्ट है, देखिए ध्यान से। यहां पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट हमने ली, जिसका क्षेत्रफल बच्चों कितना है? ए। और यहां पे बल कितना लग रहा है बच्चों? एफ। अब ध्यान से देखिए, ये कोई एक पाइप की तरह है, कोई पाइप की तरह कोई वस्तु अपने पास है, तो इस पाइप का अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से होगा, इसकी दिशा के लंबवत। ठीक है, तो इस अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? इस तरह से काट दो इसको, तो ये जो क्षेत्रफल आपको दिखेगा ना, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? अनुप्रस्थ काट। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर ये सर्कुलर है, अगर ये वृत्ताकार है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है। इसकी दिशा में जो बल लगा रहा है, मैंने मान लीजिए फोर्स लगाया इस तरह से, तो ये जो प्रेशर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, गणना करनी है, तो प्रेशर का मान कैसे आएगा? ये जो लंबवत हमने बल लगाया है वो, और इसमें किसका भाग देना है बच्चों? ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। बहुत आराम से समझिए बच्चों, फिजिक्स के बेसिक्स आपके जितने क्लियर होंगे, आप फिजिक्स को अच्छे से फील करेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। बिलीव मी, आप विश्वास मानिए बच्चों मेरा, इलेवेंथ के जो चैप्टर्स हैं बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर ये नहीं आते हमें तो पूरी की पूरी ट्वेल्थ हमारी संकट में आ जाती है। तो ट्वेल्थ को अच्छा बनाना है तो फिजिक्स को, इलेवेंथ की को अपने को क्या करना है? चमकाना है। पक्का? कोई परेशानी नहीं है? वेरी गुड बेटा, ध्यान से पढ़ो, नंबर पे ध्यान मत दो। अपने किस पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखिए तो कितना हो गया बच्चों, ये कोई फ्लो चल रहा था, यहां पे कोई बल है एफ जो कि लंबवत है, तो यहां पे इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं एफ, और ये क्या है बच्चों? लंबवत अपॉन क्या हो गया? एरिया। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? पी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? पी की।
अब एक बात मेरे को बताओ, बल कैसी राशि है, सदिश या अदिश? सभी बच्चे बताओ फटाफट से, बल कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? कैसी राशि बच्चों? बल हो गया बच्चों क्या, बल कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है, बिल्कुल आप जानते हैं, चैप्टर पढ़ लिया ना आप लोगों ने। और ध्यान समझिए, दाब कैसी राशि है, दाब कैसी राशि बच्चों? दाब बच्चों अदिश राशि है, ये दोनों चीजें आपको पता है, बल कैसी राशि है सदिश राशि, दाब कैसी राशि है अदिश राशि। तो इस बात को तो आप अच्छे तरीके समझे गए होंगे कि यहां पे अदिश है जो सदिश के बराबर नहीं हो सकता, आप जानते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज है जिसको हम भूल रहे हैं, नीचे क्या दे रखा है बच्चों, क्षेत्रफल दे रखा है क्या? बिल्कुल क्षेत्रफल दे रखा है, बहुत आराम से समझिए, क्षेत्रफल कैसी राशि हो सकती है? वैसे तो जनरली सामान्य भाषा में, सामान्य तौर पर हम लोग क्षेत्रफल को बच्चों क्या मानते हैं, अदिश मानते हैं। लेकिन यहां पर इस संतुलन को बनाने के लिए, किस संतुलन को बनाने के लिए, ताकि ये सदिश और ये सदिश ये मेंटेन हो जाए, ये दोनों तरफ या तो सदिश हो या दोनों तरफ अदिश हो, इस संतुलन को बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहां पे क्षेत्रफल को क्या माना है बच्चों, क्षेत्रफल को अपन ने कौन सी राशि माना है बच्चों, क्षेत्रफल को हमने बच्चों कौन सी राशि माना है, सदिश राशि। और ये ज्यादातर बच्चों को डाउट आता है, इसलिए ध्यान से समझिए ऐसा अपन ने क्यों किया है, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको पॉइंट को, ध्यान से समझिए क्यों किया है बच्चों ऐसा। क्षेत्रफल यहां पे कैसी राशि है, कैसी राशि बच्चों, सदिश राशि, जिसकी दिशा क्या होगी सर, दिशा होगी बच्चों जो सतह है हमारी अनुप्रस्थ काट की जो सतह है ना उसके लंबवत। जैसे यहां पे एरिया वेक्टर को अगर मैं मानूं तो एरिया वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, अनुप्रस्थ काट की सतह के लंबवत। कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, देखिए ढंग से, ये क्या हो गया बच्चों, बल की दिशा, और इसी दिशा में क्या है एरिया, आप लोग जानते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रेशर क्या हो गया बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। तो होगा क्या सर, जब आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू जब अपन यहां से निकालेंगे बच्चों, तो क्या क्या निकल के आएगी यहां से, एफ परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो, बराबर प्रेशर तो कैसी राशि है, स्केलर राशि है, और ये अंदर क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए इस तरह से आप जब चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक तरीके से, क्या लिखा है हमने कि यहां पे भी क्या है बच्चों, सदिश है, और यहां पे बच्चों क्या है, सदिश। तो अब आपको समीकरण में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चों, कोई परेशानी हो तो बताओ, ध्यान से समझिए। और देखिए एक चीज, ये दाब आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ बात करना चाह रहा हूं कि दाब कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, दाब को मापने के यंत्र कौन से हो सकते हैं, दाब में अलग अलग मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं, उन सब चीजों की हम बच्चों बात करने वाले हैं अगली स्लाइड में। देखिए देखिए दाब के प्रकार, आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा अब तक एक वातावरणीय दाब के बारे में। सबसे पहला प्रकार है बच्चों, फर्स्ट टाइप क्या है, वातावरणीय दाब, वातावरणीय दाब मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, बिल्कुल एटमोस्फेरिक प्रेशर। पहला क्या है बच्चों, वातावरणीय दाब अथवा एटमोस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से देखिए क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर या फिर वातावरणीय दाब। आप जानते हैं हमारी धरती गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, और उसके चारों तरफ क्या है, गैसें फैली हुई है ना, जो कि किसका निर्माण कर रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वात का आवरण। वात क्या होती है, वायु, और उसका आवरण मतलब चारों तरफ वायु से हमारी पृथ्वी क्या है बच्चों, ढकी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, वातावरण। तो ध्यान से समझिएगा परिभाषा क्या होगी इसकी, इस
वातावरण के कारण, किसके कारण, इस पूरे वातावरण के कारण जो पृथ्वी पर समुद्र तल होता है ना बच्चों, समुद्र तल पर लगने वाले दाब को, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे परिभाषा, वातावरण के कारण समुद्र तल के स्तर पर वातावरण के कारण समुद्र तल के स्तर पर लगने वाले दाब को क्या बोलेंगे बच्चों, वातावरणीय दाब बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, वातावरणीय दाब बोलेंगे, वातावरण के कारण समुद्र तल के स्तर पर लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं बच्चों, वातावरणीय दाब बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, एटमोस्फेरिक प्रेशर। आप सभी को मेरे हिसाब से अंग्रेजी की टर्म्स भी पता होनी चाहिए और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, अपना फायदा होने वाला है, अपना फायदा देखना है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और देखिए क्या है वातावरणीय दाब, इसको बोलते हैं अपन बच्चों, क्या बोलते हैं, पी ए टी एम, पी ए टी एम, ए टी एम की फुल फॉर्म एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या बोलेंगे अपन, वातावरणीय दाब। और इसका मान कितना होता है सर, इसका मान होता है बच्चों जब हम कैलकुलेट करते हैं 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल। सर ये पास्कल क्या है, पास्कल के बारे में हमने बात नहीं की है, लेकिन पास्कल बच्चों होता है 1 पास्कल, ये होता है बच्चों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल क्या होता है बच्चों, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसकी ऐसा यूनिट है ये, ये किसकी ऐसा यूनिट है, ये है बच्चों दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। कितना है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक एटमोस्फेयर किसके बराबर होगा बच्चों, 1.01325 × 10^5 पास्कल। सर हमें याद रखना है कि इसको ध्यान से समझिए, इसको याद रखना पड़ेगा, क्या है 1.013, यहां तक भी आप याद रख सकते हो 1.013 × 10^5। और जब गणना हम लोग करेंगे तो कभी कभी हम इसको इग्नोर भी कर देंगे, वो डिपेंड करेगा किस तरह की गणना है, किस तरह के ऑप्शन हमें दिए हुए, तो परेशान नहीं होना, इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा देखिए फटाफट से, दूसरा क्या है अपना, दूसरा टाइप है बच्चों, दूसरा टाइप है अपना गोज दाब। गोज दाब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश टर्म है ये, गोज प्रेशर। गोज प्रेशर किसकी वजह से होता है बच्चों, ये किसी भी द्रव की ऊंचाई में अंतर के कारण होता है। द्रव की ऊंचाई में अंतर, किसके साथ ऊंचाई में अंतर, समुद्र तल के साथ ऊंचाई में अंतर। समुद्र तल के स्तर से अगर हम देखें किसी भी द्रव को, तो या तो हो सकता है वो कुछ ऊपर हो सकता कुछ नीचे हो, तो इस ऊंचाई में अंतर के कारण, ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे ये आपको दे रखा है कुछ, ये कोई वैसे कोई वेसल बच्चों दे रखा है अपने को, ये क्या है इसका आधार, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, बेस बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बिंदु ए, और यहां पे क्या है, ये है बिंदु बी, ये क्या है खुला, खुली सतह, क्या है बच्चों खुली सतह, ओपन सरफेस इसको बोलते हैं अपन, खुली सतह। तो यहां पर दाब कितना लगेगा, पी ए टी एम, मतलब वातावरणीय दाब लगेगा बच्चों। तो अगर हमें निकालना है किस पे, बेस पर प्रेशर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इसकी हाइट है और यहां पे जो द्रव भरा हुआ है बच्चों, वो उसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है रो एल,
क्या दे रखी है बच्चों, रो एल मान लो या रो दे रखी है, ठीक है। तो जब बेस पे अपन प्रेशर निकाल लेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है ये, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे सवाल हम लोग आराम से सोल्व कर पाएंगे अगर ये समझ में आ गया। तो कैसे लिखते हैं अपन, एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ में इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस ऊंचाई में परिवर्तन की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है वो क्या है बच्चों, रो जी एच। क्या है बच्चों, रो जी एच। रो किसका, लिक्विड का, कौन से द्रव का हमने उपयोग किया है उसका क्या है ये बच्चों, घनत्व। जी क्या है, जी क्या है बच्चों, यहां पे जी है हमारा, ये क्या है, द्रव का घनत्व, जिस घनत्व, जिस द्रव का हम उपयोग कर रहे हैं। जी क्या है हमारा, अरे एमजी वाला जी, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण होता है ना बच्चों, वही है ये जी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये क्या है, एच, ऊंचाई, ऊंचाई में अंतर, ऊंचाई में अंतर कितना आया, समुद्र तल से हम मापते हैं, ऊंचाई में अंतर कितना है वो अपन देख लेंगे, यहां पे एस दे रखा है। तो ये इक्वेशन या फिर ये समीकरण हम सभी को ध्यान में रखनी है। और फटाफट से, तीसरा कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो बेस पे हमने निकाला है इसी को एक अलग तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की शुरू होने वाली है। क्या होगा, इसको बोलते हैं बच्चों परम, परम दाब, परम दाब को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बच्चों, कोई अलग चीज नहीं है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, परम, परम दाब भी बोल देते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं। परम दाब मतलब कुल दाब, मतलब कुल दाब किस किस का योग होगा, पहला वातावरणीय दाब, परम दाब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, परम दाब, परम दाब, परम दाब बराबर वातावरणीय दाब प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, गोज दाब, गोज दाब। मतलब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें, यहां पे, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, पी एब्सोल्यूट परम बराबर, ये क्या है, पी एटमोस्फेयर प्लस पी गोज। और पी गोज कितना होता है आप जानते हैं, कितना होता है बच्चों, पी गोज रो जी एच होता है क्या, मतलब ये फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, पी ए टी एम प्लस कितना आ जाएगा, रो जी एच। रो क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, जिस द्रव को हमने इस्तेमाल किया उस द्रव का घनत्व। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और एच क्या होता है बच्चों, ऊंचाई में अंतर। तो तीन तरह के दाब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, फटाफट से बता दीजिए कौन कौन सा। सबसे पहले हमने पढ़ा था वातावरणीय दाब, दूसरा हमने पढ़ा बच्चों गोज दाब। गोज दाब मतलब क्या होता है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या होता है, रो जी एच, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, गोज दाब। और तीसरा क्या होता है बच्चों, परम दाब। परम दाब किस किस का योग होता है, वातावरणीय दाब और गोज दाब का। तो ये इंट्रोडक्शन बच्चों चल रहा है हमारी क्लास का, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस बात से कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए फिजिक्स को फील करते हुए आगे बढ़ना, हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ी स्पीड हम लोग कम रख रहे हैं और वो जरूरी भी है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, जो ज्यादा बच्चे हैं वो, ज्यादातर बच्चे डबल एक्स स्पीड पर भी देख सकते हैं, आप स्पीड को अपनी मेंटेन रख सकते हैं, यूट्यूब ने ये फैसिलिटीज दे रखी है। बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक हैशटैग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या है बच्चों वो आपके लिए स्पेशली, वो है फील इट टू किल इट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फील करना जरूरी है सारे डाउट्स को किल करने के लिए। मतलब क्या है, फिजिक्स को बच्चों फील तो करना ही है, बहुत अच्छे से फील करना है। जब फील करोगे तभी तो आगे के क्वेश्चंस को,
आगे के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाओगे, उनको सीख पाओगे। इनका यूज करके आज हमने कोई खास बात नहीं पढ़ी, ये ज्यादातर बातें आप पहले से जानते थे। घनत्व के बारे में आपको पता था पहले से, सापेक्ष घनत्व हो सकता कुछ बच्चों ने सीखा हो, लेकिन दाब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तीन तरह के, मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ट नेक्स्ट क्लास होगी, तो अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है। तीन तरह के दाब होंगे, पहला है वातावरणीय दाब जो कि पी एटमोस्फेयर अपन लिखते हैं, दूसरा है बच्चों कौन सा वाला दाब, गोज दाब या फिर गोज प्रेशर बोलते हैं जो रो जी एच के बराबर होता है, तीसरा क्या है परम दाब जो कि इन दोनों के योग के बराबर होता है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कुछ कन्वर्जन मैं आप लोगों को बच्चों बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा उन चीजों को, कि जब भी आपको एटमोस्फेयर कुछ इस तरह से दे दे 180 एम इज इक्वल टू 760 एम एम ऑफ एच जी, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, लेकिन कन्वर्जन में जाते जाते आपको इसी दे रहा हूं ताकि आप लोग याद रखें इन चीजों को। इसी को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर एच जी। और ये एच जी का मतलब क्या है, ये एच जी बोलते हैं बच्चों मर्क्यूरी को, पारे को बोलते हैं, पारे के कॉलम की ऊंचाई है ये। ये किसके बराबर है बच्चों, एक एटमोस्फेयर के बराबर या एक वातावरणीय दाब के बराबर। एक और यूनिट होती है बच्चों एक बार, ये होती है बच्चों 10^5 पास्कल के बराबर, जो कि नियरली आपको इक्वल हो जाए किसके बराबर, मेरे को बताओ। कुछ बच्चों को याद होगा क्योंकि ये चीज नई नहीं है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में किसके बराबर हो जाएगा। अभी तो हमने समझा था ना 1.013 इंटू 25 इंटू 10^5 नियरली किसके इक्वल हो गया बच्चों, 180 एम के इक्वल हो गया। एक और बच्चों यूनिट होती है, वो होती है टोर, और टोर को अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, टोर को अपन लिखेंगे 1 एम एम एच जी। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 एम एम एच जी, 1 एम एम एच जी। ये किसके बराबर होगा बच्चों, टोर के बराबर होगा। टोर एक और यूनिट है, काम की यूनिट सिर्फ एटीएम है और पास्कल है, बाकी कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना ही खुद को परेशान करना है। ये नियरली इक्वल होगी बच्चों 133 पास्कल के। और एक जो हम पहले लिख चुके हैं उसको वापस से मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, 180 इज इक्वल टू 1.013 25 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रखना आपको, इंटू 10^5 पास्कल। ये चारों कन्वर्जन जिस बच्चे ने ध्यान में रख लिए, सोच लीजिए कि आपके आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स हो गया जो कि आप अच्छे से सोल्व करेंगे, अच्छे से सोल्व करें। कभी भी पूछा जा सकता, बोर्ड में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाए, जे हर जगह हो सकता है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका काम आए। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इनका ध्यान रखना है। और क्योंकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की शुरू होने वाली है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन का ध्यान रखेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की बात हो और आगे की चीजें डिस्कस करनी हो, तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली कमेंट पे बात कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। दो बातों को ध्यान रखना, होमवर्क करना है, क्लास नोट्स पढ़ने, होमवर्क कहां से करें सर, 11th के डीपीपी सेक्शन में आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन में मिलेगा वो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें अपडेट मिल जाएगी। बिल्कुल आप लोग पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको इस क्लास से रिलेटेड और भी अधिक जानकारियां मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, फील इट टू किल इट, फिजिक्स को क्या करना है बच्चों, फील करना है। और मुझे एक बात बताइएगा आपको इस लेक्चर की जो सबसे अच्छी लगी हो, मैं पक्का सभी बच्चों कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।